नमस्कार, स्वागत है आपका satihindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जैसे जैसे चुनाव पास आता है वैसे वैसे सरकार हो या फिर विपक्षी दल हो, सबको एक समुदाय याद आता है और वो है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का, कि कैसे उनको लुभाया जाए। और उसी होड़ में अब लग गई है बीजेपी की सरकार। बीजेपी के बारे में एक ये छवि बनी हुई थी कि वो आरक्षण के खिलाफ है, और खासकर जब 2015 में मोहन भागवत ने एक कमेंट किया था बिहार इलेक्शंस के पहले, और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उसको लेकर बड़ी आलोचना भी हुई थी। उसके बाद 2019 में भी मोहन भागवत ने ये कहा कि जो आरक्षण के विरोधी हैं और जो आरक्षण के समर्थक हैं उनके बीच में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए। तो विपक्षी दल जो थे वो बार बार बीजेपी के ऊपर हमला करते थे और ये कहने की कोशिश करते थे कि देखिए बीजेपी ओबीसी की पार्टी नहीं है, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है। इस तरीके की जो छवि है वो बीजेपी के बारे में बनाई जा रही थी। लेकिन बीजेपी ऐसा लगता है कि अब उस मोल्ड से धीरे धीरे अपने आप को बाहर लाने की कोशिश कर रही है। और अभी आपने हाल में देखा था कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें ओबीसी के कितने सारे मंत्रियों की नियुक्ति की गई जिनका ओबीसी का बैकग्राउंड था। यहां तक कि एक स्लोगन भी जो चल पड़ा सोशल मीडिया पर, और ये कहा कि अब की बार ओबीसी सरकार। फिर उसके बाद हाल में जो मेडिकल का पाठ्यक्रम था तो उसमें ऐलान हुआ कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा, तो वो भी एक महत्वपूर्ण ऐलान था बीजेपी की तरफ से। और ये एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये एक इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि देखिए हम ओबीसी के लिए हैं, हम ओबीसी के लिए मौजूद हैं और ओबीसी के बेनिफिट के लिए हैं। इस तरीके की इमेज को बीजेपी ने बताने की कोशिश की। लेकिन अब अभी कल क्या हुआ, कल लोकसभा में जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को लेकर संशोधन विधेयक पारित किया गया है, और ये जो 127वां संशोधन विधेयक पारित हुआ है, अब इससे राज्य सरकार अपने हिसाब से ओबीसी की आरक्षण सूची बना सकते हैं, अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट को बना सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकली सोशली कोई अलग तरह से देखने की जरूरत नहीं है। जितने भी विपक्षी दल थे और खासकर जब से ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू हुई है, और इस समय आप देख रही हैं मंडल कमीशन के बाद सारे देश में जो लीडरशिप है उसमें 90% ओबीसी लीडर्स हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी में ही आते हैं। इसको लेकर के कई विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी दलों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। अब उसमें कौन सी जाति आएंगी कैसे नहीं आएंगी, इसके ऊपर बहस चल रही थी, और इस सारी चीज को हमारे बीजेपी सरकार के खिलाफ ही जा रहा था, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि बीजेपी या संघ इस को नहीं मानता है इसलिए कराएगा नहीं। मुझे लगा उनको उत्तर प्रदेश को देख के लग रहा है कि अगर हमने नहीं कराई है या ये अधिकार राज्यों को नहीं दिया तो ये मान के चलिए कि बीजेपी के खिलाफ यूपी का चुनाव जा सकता है, क्योंकि यूपी में ओबीसी एक बहुत बड़ी ताकत है जो जिसकी तरफ अगर झुक गए, वो अभी तो बटे हुए हैं लेकिन जिसकी तरफ वो एक तरफा झुक गए वो पक्ष जीत जाएगा। शायद इसलिए बीजेपी को मजबूर होकर के ये फैसला करना पड़ा, और सिर्फ यूपी ही नहीं, इसके बीच में 4-5 चुनाव और हैं, पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है दिल्ली का चुनाव, और दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को जीतने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है जिसका वो इस समय क्लेम कर रही है, और वो ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि ये विपक्षी दलों की मांग के ऊपर हमने नहीं किया, हम अपनी तरफ से बिल लेके आए हैं और हमने पास किया है। तो ये एक राजनीतिक बहस तो है, अब देखते हैं ये किसके पक्ष में जाती है, डिपेंड करता है कि लोग क्या समझते हैं। बीजेपी भी सोच रही है कि हमको हमारे पक्ष में जाएगा, और जो विपक्षी दल हैं खासकर मंडल से प्रभावित दल हैं उत्तर प्रदेश के दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या चाहे वो दूसरी पार्टी लालू की पार्टी हो बिहार में, अभी नीतीश जी ने तो कोई क्लेम किया नहीं है, लेकिन इन पार्टियों को लगता है कि उनके पक्ष में ये फैसला जाएगा।
देखिए, नीतीश जी ने कल ही नहीं, नीतीश जी ने पहले भी इस मांग का समर्थन किया था कि जाति आधारित जनगणना शुरू की जाए। शरद यादव ने भी इस सवाल को उठाया था, बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को उठाया था, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर जाति आधारित जनगणना हो जाएगी, उन्हें उन लोगों को संपर्क करने में आसानी होगी और एक नक्शा सामने आ जाएगा कि अगर ओबीसी से जुड़े हुए लोग, जिसको मोटे तौर पे मानते हैं कि 27%, अगर उन सारे लोगों को इन्होंने अवेयर कर लिया, तो ओबीसी और मुसलमान मिलकर के देश की सत्ता के ऊपर एक प्रभावी ढंग से अपना दावा ठोक सकते हैं। दूसरी तरफ दलित जातियां और मुसलमान मिलकर के वो सोच रहे हैं कि हम दावा इसके ऊपर ठोक सकते हैं, नहीं, हम जीत सकते हैं। दो तरफ की गोलबंदी हो रही है, लेकिन सबसे परेशानी में अपर कास्ट के लोग हैं कि जातिगत जनगणना में उनकी पोल खुल जाएगी कि वो कितने हैं। अब तक तो सत्ता के ऊपर वही लोग रहे हैं ना, जो हैव्स हैं, जिनके पास सब कुछ है, सत्ता है, संपत्ति है, स्कूली स्कूल है, ये स्वास्थ्य है, तो ये सारी चीजें तो अपर कास्ट के हाथों में है। तो यानी कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण की सूची है वो राज्य सरकार तैयार कर सकता है। तो ये अपने आप में एक अहम मुद्दा है और इसी को लेकर ये जो 127वां संविधान संशोधक विधेयक था वो पारित हुआ और राज्य सरकार अब अपने हिसाब से आरक्षण की सूची बना सकते हैं, जिसका समर्थन तमाम विपक्षी पार्टीज ने किया, जिसको लेकर टीआरएस, टीएमसी, बीएसपी, एसपी, एनसीपी सब ने इस विधेयक का समर्थन किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज बीजेपी इस बात का क्रेडिट ले रही है कि वो राज्य सरकारों को वापस वो ताकत देना चाह रही है जिससे कि वो ओबीसी के आरक्षण की लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन ये वही बीजेपी है जिसने पहले ये राज्य सरकारों से उसकी ये पावर्स छीनी थी। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जो हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया था तो मई 5 का, तो उसमें क्या कहा गया था कि जो 2018 का जो अमेंडमेंट था उसने ये नोटिफाई किया था कि जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं वो स्टेट नहीं बना सकती हैं बल्कि वो केंद्र बनाएगा। तो जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 102nd अमेंडमेंट के जरिए एनसीबीसी को, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट को लेकर, तो वो राज्य सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। क्योंकि जब एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और ये कहा गया कि एनसीबीसी जो जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की वो लिस्ट है वो बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकारों से वो ताकत छीन ली गई और ये केंद्र सरकार ही इस चीज को चाहता था। अब वही केंद्र सरकार अब वापस एक और विधेयक पारित कराकर, यानी कि 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित कराकर अब राज्य सरकारों को वही ताकत फिर से दे रही है। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अब चुनाव पास आ गया है और चुनाव के समय में सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नलिफाई किया गया है और अब वापस राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने राज्यों की जो ओबीसी की लिस्ट है आरक्षण के लिए वो उसे बना सकते हैं। अब क्या कुछ कहा विपक्षी पार्टीज ने, यहां पर ये भी जाना जरूरी है। टीएमसी के जो कल्याण बैनर्जी थे उन्होंने क्या कहा कि राज्यों को और अधिकार मिलने चाहिए। एसपी ने कहा कि 50% जो सीमा है ओबीसी के रिजर्वेशन की उसको बढ़ाने की मांग की और उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी वापस सत्ता में आती है तो फिर वो जातिगत जनगणना भी कराएगी। बीएसपी ने कहा कि जो सवर्णों और पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात जो अब सामने आ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे नौकरियों को खत्म करने का खेल चल रहा है, इस बात को लेकर बीएसपी ने कहा और उन्होंने मंडल कमीशन की याद दिलाई। फिर एनसीपी ने कहा कि हर 3 साल पर क्रीमी लेयर की समीक्षा होना चाहिए। तो ये तमाम बातें विपक्षी दल ने कही हैं, लेकिन आज बीजेपी जो इस बात का क्रेडिट ले रही है कि वो 127वां संशोधन विधेयक लाकर वो राज्य सरकारों को उनकी ताकत, राज्य सरकारों को वो ताकत दे रही है कि वो ओबीसी की लिस्ट बनाए, तो ये वही ताकत है जो पहले बीजेपी ने छीनी थी और अब आज बीजेपी वापस राज्य सरकारों को ये ताकत दे रही है। क्योंकि उसे पता है कि आने वाले 5 राज्यों में ओबीसी एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव में नहीं भूलना चाहिए, जहां पर 45% ओबीसी को लेकर ओबीसी की जनसंख्या है, तो ओबीसी के
ओबीसी के अंदर वो समुदाय जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, ये उसी को लेकर एक कवायद है कि उन समुदायों को भी बीजेपी की तरफ खींचा जा सके जो कि बीजेपी के लिए वोट नहीं कर सकती थी। तो कारण जो एक्सप्लेन करने में जो कारण है कि हम सामाजिक न्याय देंगे, हम आर्थिक न्याय देंगे, लेकिन पॉलिटिकल रीजन ही है, यानी कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव की बात सामने नजर आ रही है, चुनाव ही एक कारण है जिसकी वजह से इन सारी पार्टीज को ओबीसी की याद आने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ दो चीजें और हो रही हैं। अब जो महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण को लेकर जो एक कवायद थी, उसका अब रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि तमाम पार्टीज अब इस बात को लेकर अपनी डिमांड्स को आगे कर रही हैं कि जो 50% की जो एक सीमा तय की गई थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, उसको बढ़ाया जाए। और दूसरी जो डिमांड है विपक्षी पार्टीज की तरफ से, वो ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जिसको लेकर आज लालू यादव ने भी कहा है कि जो जनगणना, जो जातियों की जनगणना है, वो होना चाहिए। और अगर 2021 की जो जनगणना है, अगर उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की बात नहीं की गई और उनकी अगर गिनती नहीं की गई, तो फिर उस सेंसस के कोई मायने नहीं है। अगर कोट करूं मैं लालू यादव को, तो उन्होंने ये कहा है कि जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे। तो अचानक से जो ये रीजनल पार्टीज हैं, वो कास्ट बेस्ड सेंसस के पीछे पड़ गई हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार भी काफी भावुक हो गए और उन्होंने कल ये आरजेडी के साथ समर्थन में वो नजर आए और उन्होंने कहा कि कास्ट बेस्ड सेंसस इस समय होना चाहिए। तो अचानक से जो रीजनल पार्टीज हैं, वो मंडल के दिनों की याद दिला रहे हैं, और जो मंडल के दिनों का जो एक्साइटमेंट था, वो इन रीजनल पार्टीज में नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2024 को देखते हुए, और एक नई कवायद इन रीजनल पार्टीज की शुरू हो रही है कि मंडल की राजनीति से अब कमंडल का सफाया होगा। तो बीजेपी अगर एक तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो विपक्षी पार्टीज भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। जैसे कि बीएसपी ने काशीराम की याद दिलाई, उसके बाद और मंडल कमीशन की याद दिलाई कि उनकी जो सिफारिशें हैं उनको लागू करना चाहिए। एनसीपी की जो सुप्रिया सूले हैं, उन्होंने भी कहा कि हर 3 साल में क्रीमी लेयर की समीक्षा होनी चाहिए। तो हर विपक्षी दल अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा पैरोकार है। लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर है? क्या बीजेपी कास्ट बेस्ड सेंसस करवाएगी या नहीं करवाएगी? जो वो समुदाय जो बीजेपी के साथ अभी नजर नहीं आ रहे थे, वो क्या बीजेपी के साथ इसमें जुड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी की छवि इस समय काफी धूमिल नजर आ रही है। अगर बाकी जो जनता के इश्यूज हैं, अगर आप उनको लेकर देखें, तो क्या बीजेपी अब जीत का जो वाहन है, वो क्या ओबीसी के सहारे चढ़ेगी? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन बीजेपी जो ये क्रेडिट ले रही है कि देखिए, हमने 127वां संशोधन विधेयक पारित करके हमने राज्य सरकारों को ये ताकत दे दी है कि अलग अलग राज्य सरकारें अपनी ओबीसी की आरक्षण लिस्ट बनाए, तो ये वही ताकत है जो पहले बीजेपी ने छीनी थी उनसे, और अब ये ताकत उन राज्य सरकारों को वापस दी जा रही है। और ये बात आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस बात को लेकर कहा था कि वो ओबीसी की लिस्ट अपने हिसाब से वो बनाना चाह रहे हैं। तो यूपी के मद्देनजर ही ये पूरी कवायद की गई है। लेकिन क्या इस आरक्षण की राजनीति में और ये जो जातियों की जो पूरी राजनीति है, क्या इसके भरोसे बीजेपी यूपी का चुनाव जीत पाएगी? और क्या इसके भरोसे सारे विपक्षी दल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाएंगे ताकि मंडल की राजनीति से कमंडल को खत्म किया जाए? ये एक अहम सवाल है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।